बिहार में पीएफआई टेरर प्लान बनाने में लगा है, लेकिन टेरर प्लान पर भी हिंदू मुसलमान वाला सियासी घमासान छिड़ गया। और नीतीश सरकार में मंत्री मदन सहनी ने कहा कि जांच की आड़ में एक खास समुदाय को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है, तो बीजेपी ने नीतीश सरकार पर बिहार का बंटा धार करने का आरोप चढ़ दिया। ये तस्वीरें आपके जहन में अब भी जिंदा होगी, जब पटना के फुलवारी शरीफ से बड़ी आतंकी साजिश का पर्दाफाश हुआ। 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने का टेरर प्लान डिकोड हुआ था। उस एक्शन प्लान की भी जानकारी मिली थी, जिसमें बहुसंख्यकों को घुटने पर लाने का ताना बाना बुना जा रहा था। उस केस में अब तक 8 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, 18 की एनआईए तलाश कर रही है। जब से टेरर के पटना मॉड्यूल का खुलासा हुआ है, एनआईए की टीम साजिश की जड़ें खोदने में लगी है। बिहार से लेकर कर्नाटक तमिलनाडु तक पीएफआई के नेटवर्क को नेस्तनाबूद करने का ऑपरेशन लगातार जारी है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि देश की सुरक्षा जैसे संजीदा मामले में भी राजनीति घुसेड़ी जा रही है। अब बिहार सरकार के समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी का ये बयान सुन लीजिए। वो ईडी हो या सीबीआई हो, आईटी हो, ये सभी का सभी जो है सत्ता पक्ष का खिलौना है और वो इससे खेलते ही रहते हैं। जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट हर मुद्दे पर राजनीति करती है। और रही बात इस मामले में, तो गलत कोई भी आदमी कर सकता है, किसी एक जाति धर्म को नाम लेकर के यह कहना कि यह अपराधी है, आतंकी है, ये कहीं से भी उचित नहीं है। जो भी पकड़ में आता है उस पर कानूनी रूप से कार्रवाई हो, उसमें सरकार के तरफ से न कोई हस्तक्षेप है, न कोई रोक है, बल्कि इसका स्वागत है। नीतीश के मंत्री मदन सहनी को अपने ही देश की जांच एजेंसी पर भरोसा नहीं रहा। उन्होंने जांच की प्रक्रिया में एक खास समुदाय को निशाना बनाने का एंगल तलाश लिया, तो दूसरी तरफ बीजेपी के केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी सियासी रोटी सेकने की कोशिश शुरू कर दी। गिरिराज ने ट्वीट कर कहा है, बिहार में आतंकवाद से जुड़े 32 जगहों पर एनआईए की छापेमारी की गई। वोट बैंक की आड़ में बिहार को धीरे धीरे खोखला कर दिया गया। वोट बैंक की राजनीति के चलते बिहार जंगल राज से 2 कदम आगे निकल गया है। पीएफआई की साजिश देश को तोड़ने वाली है, ऐसे में संगठनों के खिलाफ साझा लड़ाई की जरूरत है, लेकिन ये तभी संभव होगा जब सियासत को इससे दूर रखा जाए। आज तक ये हो। तो पीएफआई एक तरह तो आतंकी साजिश कर रहा है एक तरफ, और दूसरी तरफ खुद को बेकसूर बताता है। पीएफआई की राजनीतिक विंग एसडीपीआई के वाइस प्रेसिडेंट से आज तक ने खास बातचीत की, तो उन्होंने एनआईए को ही कटघरे में ला खड़ा किया। आज सोशल डेमोक्रेट पार्टी ऑफ इंडिया का माध्यम से ये प्रेस मीट जारी है। मैं इलियास मोहम्मद तुम्बे, नेशनल जनरल सेक्रेटरी सोशल डेमोक्रेट पार्टी ऑफ इंडिया, और हमारा साथ में नेशनल वाइस प्रेसिडेंट एडवोकेट सरफुद्दीन साहब भी मौजूद है, और नेशनल सेक्रेटरी फैजल इजुद्दीन साहब भी हमारे साथ में हैं। आज के प्रेस मीट का उद्देश्य यह है, बिहार में और कर्नाटक में, बिहार में हमारा एसडीपी का लीडरों और कैडरों का घर में एनआईए रेड मारा है, और इसी तरह मैंगलोर में रहने वाले हमारे नेशनल सेक्रेटरी रियाज फरंगीपेटे के उनके घर में भी आज सुबह में एनआईए वाले रेड मारा है। हम लोग ये रेड को कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं, क्योंकि ये जो रेड है ये एक कॉन्स्पिरेसी है। यहाँ गवर्नमेंट के विरोध में जो बोलने वाला, गवर्नमेंट का जनविरोधी नीति, गवर्नमेंट का तानाशाही नीतियों को विरोध करने वाले जितने लोग हैं, जितने पॉलिटिकल पार्टी हैं, इसको ख़त्म करने का साजिश यहाँ के बीजेपी हुकूमत कर रहा है।